आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून में समस्त कार्यालयों थाना चौकियों में किया गया ध्वजारोहण। एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में किया ध्वजारोहण। अधीनस्थ अधिकारियों को दिलाई संविधान की उद्देशिका की शपथ। पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ देश सेवा तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किया प्रेरित। 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित सभी अधीनस्थों को पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई गयी। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति पदक, राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा चिन्ह तथा सराहनीय सेवा चिन्ह प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के नामों को पढ़कर उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत कराया गया। जनपद देहरादून के सभी थाना चौकियों कार्यालयों में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण कर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। वहीं एसएसपी देहरादून ने समस्त दून पुलिस परिवार की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रबुद्ध संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और असर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।